जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भाई साहब मेरे पीछे तो लोगों की संख्या तो कितने मात्रा में लोग पीछे ते देखो भाई साहब, सीएम साहब कितना करीब है अभी हमारे, और यहाँ झाड़ू लगाते भाई साहब। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज है 20 जून और सबसे पहले आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज मैं भी निकला हूं जगन्नाथ यात्रा देखने के लिए। जाना था वैसे मुझे पूरी, बट दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो मैं सोचा कि वहाँ तो नहीं जा पाया, बट फिर जो हमारे सिटी में यानी कि रायपुर शहर में जहाँ निकाला जाएगा जगन्नाथ रथ यात्रा, जो सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि गायत्री नगर शंकर नगर में निकाला जाता है रथ यात्रा, तो वहाँ आप लोग को लेके जाएंगे और पूरा घुमाएंगे और दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक, आपको पूरा समझ आने वाला है, पूरा आप लोग जगन्नाथ यात्रा घर बैठे देखने वाले हो रायपुर का। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अभी अपन आ चुके हैं गायत्री नगर रोड में शंकर नगर के तरफ, क्योंकि इधर ही है अपना गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर, काफ़ी फेमस है रायपुर का। रायपुर में अगर कोई सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है तो यही वाला है, जहाँ आज मैं जाने वाला हूं आप लोगों को लेकर। और यहां देखो रोड रोड में ऐसे बोर्ड भी लगाया गया है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा करके। तो ऐसा है भाई साहब कुछ गायत्री नगर सुबह का माहौल, इतनी धूप इतनी गर्मी, बट फिर भी देखो यार मज़ा तो आ जाने वाला है। उठा रहे गाड़ी, उठा रहे, ठीक 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 ठीक, इधर लगा देंगे ना बाहर, इधर। तो अंदर भाई साहब देखा, जितने लोग बाइक लगाए थे ना उसको उठा भी रहे हैं, और मेरे को सचेत पहले ही कर दिया कि भाई आप इधर बाइक पार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब लेके चलते हैं आप लोग को अंदर। और भाई साहब अभी से वाइब जबरदस्त आ रही है अंदर, पूरा ढोल नगारा का साउंड अभी से सुनाई दे रहा है। तो कुल मिला के आज का जो माहौल होने वाला है ना, जबरदस्त होने वाला है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखना और कमेंट करके भाई साहब जरूर बताना रायपुर का जगन्नाथ यात्रा जो है कितना बढ़िया लगा। तो ये आप लोगों को दिखा दूं जो रथ यात्रा निकलने वाला है। गायत्री नगर में तीन रथ बनाए गए हैं, जिसमें एक भगवान जगन्नाथ जी का होता है और एक उनके भाई जी का होता है बलभद्र, और एक उनकी बहन, छोटी बहन जो सुभद्रा जी होती हैं, उनका एक रथ निकाला जाएगा। तो ये गाइस बाजू में आप लोगों को मंदिर दिखाया था, और जस्ट इसके बाजू में ICICI बैंक के तरफ से पब्लिक के लिए पूरा फ्री वाटर की व्यवस्था किया गया है। तो जितने भी पब्लिक की तरफ आ रहे हैं ना, उनको पानी पीने की व्यवस्था है, तो ये भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पी सकते हैं। और इधर भाई साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच रहे, देख सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गाइस अब मैं भी चलता हूँ आप लोगों को लेके अंदर, और अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन भाई साहब इतने गर्मी में क्या हालत खराब हुआ है। मंदिर का व्यू कुछ ऐसा नजर आएगा, ये देखो भाई साहब
बहुत ही अलग अलग अंदर भगवान की मूर्तियां है जो स्थापना की गई है चारों तरफ। जैसे कि इधर देखो संतोषी मंदिर, गणेश जी का मंदिर, ये हो गया अपना समलेश्वरी मंदिर। तो बहुत सारे मंदिर आप लोगों को अंदर आने के बाद देखने को मिलेगा। अब लेके चलते हैं आप लोगों पर, चलो। और पीछे बता दूं, ये मेरे दोनों दोस्त लोग हैं, कॉलेज के दोस्त लोग, आज अभी मिल गए, आए थे घूमने के लिए। तो मतलब फुल माहौल है आज का, कैसा लगा आज बता? बहुत बढ़िया लगा यहाँ घूमने में। हमारे सीएम साहब आ रहे हैं कुल मिला के बहुत बढ़िया माहौल है। और यहाँ देखिए एक अपना कृष्ण भगवान भी बने हुए हैं जिनके साथ लोग तस्वीर भी ले रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया यार। लेकिन पैर बहुत जल रहे भाई साहब। अच्छा है कि ग्रीन पट्टी नीचे बनाया गया है ताकि जो पैदल चले उनको थोड़ी सी आसानी तो कम से कम हो जाए, क्योंकि जो मार्बल है ना नीचे का उस पर आप लोग चल नहीं सकते हो, इतना भयंकर गर्म हो गया है। तो ये भाई साहब झाड़ू लगाने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो सीएम साहब ये रहे, उनका फेस आप लोग को दिख पा रहा होगा। और यहाँ भाई साहब नीचे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय जगन्नाथ। अब सीएम साहब कितना करीब है अभी हमारे, और यहाँ झाड़ू लगाते भाई साहब पहुंचने वाले हैं। और भाई साहब भीड़, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और यहाँ जस्ट बाजू में प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लोज से दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ गान बजान के साथ दे रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एक अलग ही वाइब है भाई साहब। जय जगन्नाथ। भाई साहब इतने धूप में डटे रहना भी नेक्स्ट लेवल बात है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय। भाई साहब मेरे पीछे लोगों की संख्या, कितने मात्रा में लोग पीछे।
दर्शन भी करा दे रहा हूँ एक एक करके। तो फटाफट गाइस आप लोग दर्शन कराऊंगा इसके पहले की भीड़ हो जाए। तो ये जो गाइज आप लोग व्यू देख रहे हो ये है मंदिर के किनारे का व्यू। इधर आप लोगों को दोनों तरफ आप लोगों को दुकानें देखने को मिलेगा जो कि प्रॉपरली मेला टाइप लग चुका है। ये दिखा दो पूरे इधर खाने पीने का सेक्शन है जहाँ अलग अलग टाइप के चाट और चीज़ें बेचा जा रहा है। नीचे आप लोगों को दिखा इधर पूरा खिलौना का सेक्शन है, मतलब एक शॉप है। ये जो मेला का टाइमिंग भी आप लोगों को बता दूँ, जो मेला लगा हुआ है ना सिर्फ आज ही रहेगा, रात को मान लो कि 9 से 9 तक रहने वाला है, उसके बाद ये मेला पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं वीडियो घर तुरंत जाऊंगा, एडिट करूंगा, डालूंगा, मे भी 2 से 3 घंटा लग जाए। इन बिटवीन अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ जाना, मेला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अदरज मेला एक दिन का है, ख़त्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्विक 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 गर्मी में इंग्लिश यार, गर्मी इतना है कि अब हिंदी छोड़ो इंग्लिश निकल रहा है। चलो 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 एंड भाई साहब मंदिर के पीछे इधर हो रहा है प्रसाद वितरण। मेरा गोप्रो गर्म होने के कारण बार बार बंद हो जा रहा है, पता नहीं अभी कब बंद होगा, इसे फटाफट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इधर मिल रहा है प्रसाद, प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है क्या क्या है, दाल चावल और सब्जी है आई थिंक। आज अच्छा इसमें वो खाने को मिलेगा, थोड़ा सा बस थैंक यू। ये आ गया दाल, बस थैंक यू। आ गया अपना सब्जी, बस थैंक यू। तो ये दाल चावल सब्जी मिल चुका है, अब इसको खाना कहाँ है। खाने के लिए भाई साहब एक जगह ढूंढना पड़ेगा, अब इतने गर्मी में जगह ढूंढना भी एक स्ट्रगल है। ऊपर से धूप और नीचे से गरम गरम प्रसाद, ये भी एक मेमोरेबल डे होगा मेरे लाइफ का, इसलिए इस पार्ट को ब्लॉग में रख दूंगा। हाँ जी, तो प्रसाद खा के निकल चुके हैं और अब आई थिंक वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहिए। ज़्यादा लंबा करने से कोई मतलब है नहीं, आप लोगों को जितना दिखाना था वो दिखा चुका हूँ, मेला से लेकर पूरा पूजा जो भी हुआ सब कुछ दिखाया समझाया बताया। तो वीडियो कर दो भाई सब शेयर और अच्छा हो तो वीडियो का यार लाइक भी जरूर करना, कमेंट करके प्लीज़ बताना कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा यार वीडियो बनाने के लिए, इतनी धूप गर्मी पसीना यार देख रहे हो। चलो फाइनली आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।